स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। लोग अपने घर और परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। कभी जरूरी काम से बाहर जाना हो तो घर सूना नहीं छोड़ सकते। ऐसे बुजुर्गों के साथ भी होता है जिन्हें हर जगह ले जाना संभव नहीं होता। दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में हम कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं घर से बाहर खरीदारी करने जा सकते हैं। और कभी भी हमें घर से बाहर जब जाना होता है तो तब हम भगवान भरोसे घर छोड़ जाते हैं। बुजुर्गों के साथ भी यही होता है, हालांकि ये हमारी मजबूरी होती है, लेकिन हमारा सारा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है कि घर में कहीं चोरी ना हो जाए या हमारे बुजुर्गों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है और बिंदास होकर आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अब आपका फोन करेगा आपके घर की सुरक्षा। चाहे वो आम आदमी हो या फिर पैसे वाला, हर किसी के सामने एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है और वो सवाल है सेफ्टी का। आज के जमाने में जहां सुरक्षा की गारंटी नहीं है, वहां थैंक्स आधुनिक टेक्नोलॉजी को, जिसके सही इस्तेमाल से हम न सिर्फ अपने घर और दफ्तर में चोरी से बच सकते हैं, बल्कि आग लगने, गैस लीक होने या फिर अनजान शख्स के आने पर हमें तुरंत जानकारी मिल सकती है। और ये काम कर सकता है आपके घर का लावारिस सा लगने वाला लैंडलाइन फोन। इन दिनों त्योहारों का सीजन है, घर सूना छोड़कर जाना मजबूरी होती है, चाहे वो खरीदारी के लिए जाएं या फिर नेटिव प्लेस। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलर्ट डिवाइस से जुड़ते ही आपका लावारिस सा लैंडलाइन फोन आपके घर की सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है, जिसे तैयार किया है माइक्रो टेक्नोलॉजी ने। आधुनिक सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो फीचर्स ऐड किया गया है, जिसके वजह से कॉमन आदमी जो घर पे रहते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके फैमिली मेंबर्स जो रहेंगे घर पे, उनको एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, जो सिक्योरिटी ही इमरजेंसी हो, अगर कोई सुरक्षा रिलेटेड इमरजेंसी हो या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी हो, उस टाइम में ये काम में आएगा। कोई आग लग गया, कोई घर पे चोर घुस गया, किसी भी तरीके का यू नो एनी इमरजेंसी सिचुएशन में ये डिवाइस काम में आएगा। इस अलर्ट डिवाइस को SCT कहते हैं, जिसके चार सेंसर पार्ट हैं और इन चारों का अलग अलग काम होता है। लैंडलाइन फोन से जुड़ने के बाद ये आपके एक नहीं बल्कि कई मोबाइल फोन को जरूरी अलर्ट मैसेज भेज देते हैं। किसी के द्वारा चोरी की जाता है, अगर गेट खुलता है तो इसके द्वारा आपके मोबाइल पे या घर मालिक के मोबाइल पे मैसेज पहुंच जाता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और उसके द्वारा वो पुलिस में भी इन्फॉर्मेशन कर सकता है कि हमारे घर की सुरक्षा कैसे की जाए। इसके द्वारा इससे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने का चांस है। इस अलर्ट डिवाइस के जरिए न सिर्फ घर और दफ्तरों में चोरी को रोका जा सकता है, बल्कि रिमोट आपके बुजुर्गों पर आने वाली विपत्ति को भी टाल सकता है। इतना ही नहीं, मास्टर डिवाइस में लगे सिम के जरिए आप इंटरनेट ब्राउजिंग का भी मजा ले सकते हैं। सिर्फ इस रिमोट के जरिए जो सीनियर सिटीजन है और साथ ही साथ साथ जो और लोग हैं जिनको सुरक्षा पूरी मुहैया करानी चाहिए घर में, वो पूरी सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। डोर डिवाइस, मोशन डिवाइस, फायर डिवाइस और गैस डिवाइस, ये कंपनी ने जो मार्केट में लॉन्च करे हैं, उस वजह से लोगों पे SMS आ जाएगा जब भी किसी तरीके की उनके घर के अंदर या उनके ऑफिस के अंदर दिक्कत होगी। मानना पड़ेगा चाहे मुंबई पुलिस कुछ कर पाए ना कर पाए, पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो डिवाइस लॉन्च करके मुंबईकरों को सुरक्षा देने का वादा पूरी तरीके से कर रही हैं। कैमरामैन संतोष कदम के साथ अनुभव खंडेलवाल, TV9 मुंबई। यही तो सिक्योरिटी डिवाइसेस के नाम पर मार्केट में कई सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो लगेगा भी नहीं कि आप सिक्योरिटी से संबंधित डिवाइस यूज़ करें, यानी कि किसी की नज़र में भी वो डिवाइस नहीं आएंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए हमारे साथ एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, यतिन राणे हैं हमारे साथ। यतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर, आप भी जानते हैं और सारे लोग देख रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार है और ऐसे त्यौहारों में लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं, लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, कई का टूर बनाते हैं, तो घर की सुरक्षा जो है एक बड़ी चिंता का विषय होता है। कुछ सारे डिवाइसेस हैं, कुछ डिवाइसेस के बारे में आप भी जानते हैं यहाँ पर, क्या कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो कि घर को सुरक्षित रख सकते हैं? जी हाँ, माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ का जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, बहुत सारे लोग कैमरा यूज़ करते हैं, लेकिन कैमरा को व्यू करना, उसके बाद में उस जगह पर जाना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जी। यहाँ पर माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ ने जो हमारा SCT करके जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, सिक्योर कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, जो कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता चलेगा।
जी बिल्कुल जतिन जी, यहाँ पर हम ये भी देखना यहाँ चाहते हैं कि किस तरह से डिवाइसेस काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ समस्याएं शुरू होती हैं और वो समस्या जो है दरवाजे से, घर के दरवाजे से शुरू हो जाती है। अगर आपने घर खुला छोड़ा है या फिर घर से आप बाहर गए तो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे से कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, या फिर वो सुरक्षित है कि नहीं आपका घर, दरवाजे पर किस तरह की सुरक्षा होती है ये जानना चाहेंगे। दरवाजे के लिए हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर्स बनाए हुए हैं जी, जहाँ पे कोई भी, ये जो मैग्नेटिक सेंसर्स है जिसको आप दरवाजा, खिड़की, लॉकर, ड्रॉवर कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी इंट्रूजन होता है, उस ड्रॉवर को, उस लॉकर को या दरवाजे या खिड़की को खोला जाता है तो आपके मोबाइल पे SMS आ जाता है जी। यहाँ पे एक सेंसर्स लगाया हुआ है जो आप डोर, लॉकर, ड्रॉवर, विंडोज पे लगा सकते हैं जी। ये जैसे ही वो डोर या लॉकर कुछ भी खुलेगा, आपके साथ साथ, मतलब जिसको हमने असाइन करके रखा है, जिसे हम रजिस्टर यूज़र कहते हैं, जो घर का मालिक, उसके साथ साथ 3 नंबर के पास भी SMS चला जाएगा जी। ये डोर खोलते ही देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मुझे मैसेज आ गया है जी। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैसेज आया, यानी कि राणे साहब यहाँ पर कुछ रजिस्टर, कुछ लोगों को रजिस्टर करना जरूरी होता है, कौन कौन वो लोग हो सकते हैं, कैसे रजिस्टर किया जा सकता है? वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपके घर के पास जो नेबर रहते हैं वो हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर के नज़दीक में जो भी लोग रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जब घर से बाहर होते हैं तभी ये सारी चीज़ें होती जी। तो उस वक्त अगर मान लो कि आप घर तक नहीं पहुँच पाते हैं या उस प्लेस तक नहीं पहुँच पाते हो, तो उस वक्त आपने जिसको रेसिपिएंट बना के रखा हुआ है, जो अल्टरनेट यूजर है, वो वहां तक कुछ मदद कर सकते हैं जी। बिल्कुल, एक और समस्या होती है जो कि खासतौर पर बंद घरों में देखनी जा सकती है, आग लगने की समस्या होती है, कहीं आग लग जाती है कहीं ना कहीं, और उसका जो सीधा सा कारण होता है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि हम अपने घरों में कुछ ऐसे उपकरण छोड़ कर जाते हैं जो कि यहाँ पर चलाए रखने ज़रूरी होते हैं, फ्रिज होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लग सकती है। ऐसे में क्या कोई उपकरण ऐसा है जो कि आग के बारे में यहाँ पर अलर्ट दे? यहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशन टर्मिनल जो हमने डिवाइस बनाया है जी, ये सारे सिक्योरिटी जो भी सिस्टम्स इसमें है वो सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा फायर सिक्योरिटी सिस्टम्स जी, जहाँ पे आग लगने के बाद में ये सायरन भी देता है जी, उसके साथ साथ वो मैसेज भी करेगा जी। यानी कि जो ये डिवाइस आपने दिखाया है, ये यहाँ पर जैसे ही आग की यहाँ पर लपटें होती हैं या फिर धुआं इस तक पहुँचता है तो ये अलार्म देगा और सीधे सीधे ये मैसेज भी भेज देगा, मैसेज भी करेगा आपके साथ साथ जो आपने 3 नंबर रखे उनके पास जी। बिल्कुल, और जाहिर है कि ये मैसेज के जरिए आप फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो, आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हो, एक बेहद काम का ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। एक और चीज़ यहाँ पर गैस से रिलेटेड हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये देखिए मैसेज आ गया जी, फायर डिटेक्ट हो गई है घर में जी, और ये सिक्योर कम्युनिकेशन टर्मिनल जो डिवाइस है ये आपको SMS कर रहा है, ये आपको मैसेज दे रहा है जी। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर SMS पढ़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो SMS है वो दिख रहा है कि SMS आ गया है, और जाहिर है कि इसके जरिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, फायर जो यहाँ पर फायर टेंडर्स होते हैं वहाँ तक, फायर ब्रिगेड तक ही अपने मैसेज पहुँचा सकते हैं। एक और चीज़ होती है, गैस की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हर घर में आजकल गैस से खाना बनता है और गैस लीकेज की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, अगर कहीं गैस लीकेज होती है और उस वक्त कोई घर पर नहीं है, किस तरह से बचा जा सकता है? यहाँ पे भी हमने गैस लीकेज के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो घर में अगर गैस लीकेज होती है तो वो सायरन के साथ साथ, जिसके हमने डिवाइस के अंदर इनबिल्ट सायरन दिया हुआ है जी, तो वो सायरन के साथ साथ वो आपको मैसेज करेगा जी। यहाँ पे मैं आपको गैस लीकेज सेंसर्स भी दिखा रहा हूँ, और ये GSM बेस्ड टेक्नोलॉजी के होने की वजह से मैसेज किसी भी हालत में आप तक पहुंचेगा ज़रूर जी। कम्युनिकेशन में होता ऐसे है कि बहुत बार अगर नेटवर्क वहां पे नहीं मिलता है जी, तो कम्युनिकेशन में आप वहां तक नहीं पहुंच पाते या कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। माइक्रो टेक्नोलॉजी इसीलिए ये GSM बेस और मैसेजिंग बेस पे रखा है कि मैसेज आपको कहीं भी किसी भी हालत में मिलेगा ज़रूर जी। बिल्कुल मिलेगा ज़रूर। हाँ, हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इसको अभी मैन्युअली ऑपरेट करेंगे, क्योंकि गैस और फायर जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं लाई जा सकती, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे कि कैसे ये मैसेज डिलीवर करता है। एक और चीज़ राणे साहब, यहाँ पर जाहिर है कि जो हमने सिक्योरिटी की सिस्टम बताया, जो कि डोर सिक्योरिटी सिस्टम था, वहाँ से अगर फेल्योर होता है किसी वजह से तो हम देखते हैं कि चोर अक्सर ऐसे रास्ते अपनाते हैं कि वो अंदर आ जाते हैं और अंदर लूटपाट कर लेते हैं, क्या ऐसी कोई डिवाइस है जो कि मोशन को कैच कर सके?
जी हाँ, हमारे पास मोशन डिटेक्टर भी है जहाँ पे अगर वो मूवमेंट अगर वहाँ पे होती है तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जैसे हमने 9 मीटर की रेंज यहाँ पे और 110 डिग्री के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है तो वहाँ पे वो अलर्ट करेगा आपको। यहाँ पे मोशन सेंसर्स भी हमारे पास है जी। ये मोशन सेंसर्स का जो भी, जैसे ये लाइट ये ब्लिंक होता है वो सिस्टम के जरिए आपको SMS देता है कि घर में कोई मोशन डिटेक्ट हुआ है जी। चलिए एक और चीज हम यहाँ पर जो अंदेशा होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ये मोशन डिटेक्ट का भी मैसेज आ गया जी। जी बिल्कुल, एक और चीज जो अंदेशा होता है बाय चांस अगर किसी को इस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता है और तार निकल जाता है या फिर जो पावर फेल्योर है वो होता है, तो ऐसे में क्या ये डिवाइस काम करेगा? जी हाँ, हमारे पास ये माइक्रो सिक्योर कम्युनिकेशन टर्मिनल जो डिवाइस है इसमें हमने बैटरी बैकअप के भी फीचर्स देके रखे हुए, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी फ़ोन के जैसा है जिसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है जिसके अंदर हमने बैटरी बैकअप दिया हुआ है वो 2 घंटे का बैटरी बैकअप है जी। 2 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ साथ जब भी ये पावर फेलियर होगा उस वक्त ये आपको मैसेज करेगा कि डिवाइस के साथ के अंदर या डिवाइस के अंदर जो बैटरी है वो अभी डिसकनेक्ट हो गई या उसका जो वोल्टेज है वो कम हो गया है, आप इसको चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने साहब हमसे बात करने के लिए और इतनी खूबियाँ हमको बताने के लिए। जाहिर है कि ये बड़े करामाती जो है वो लैंडलाइन फ़ोन है जिसको कि आप हमेशा काम का नहीं समझते थे या फिर आपको लगता था कि ये एक सिर्फ रखा फ़ोन है जिसको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है और हाँ। इसको आप डिवाइस के तौर पर, इंटरनेट डिवाइस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेट सर्फिंग इसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो बड़ी बात है यहाँ पर, इस डिवाइस का कई तरीके से काम हो सकता है, कई तरीके से इसे यूज़ में लिया जा सकता है और खासतौर पर सिक्योरिटी सिस्टम आपका जो है वो चुस्त दुरुस्त रह सकता है, आपके घर का सिक्योरिटी सिस्टम। जरूर जरूर, इसीलिए हमने इसको नाम दिया हुआ है सिक्योर कम्युनिकेशन टर्मिनल, जो सिक्योरिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी करता है और ये टर्मिनल जो है वो आपको इंटरनेट की प्रोविजन भी देता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर राणे साहब हमसे बात करने के लिए और इस डिवाइस की खूबियां बताने के लिए। थैंक यू, थैंक्स।